ओम साई राम। श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी को वर्ष 2022 में 400 करोड़ रुपए से भी अधिक की दान राशि प्राप्त हुई। ज्ञात रहे वर्ष 2020-2021 में कोरोना आपदा के चलते शिरडी में प्राप्त होने वाली दान राशि में कमी आई थी, लेकिन वर्ष 2022 में स्थिति सामान्य होने के बाद देश विदेश से लाखों साई भक्त बाबा के दर्शन करने शिरडी पहुंचे और जी खोलकर बाबा की हुंडी में दान दिया। श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी के प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राहुल जाधव द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी को 400 करोड़ 17 लाख 64 हजार 201 रुपए दान स्वरूप प्राप्त हुए, जिनमें 167 करोड़ 77 लाख 1 हजार 27 दान पेटिकाओं से निकले, 74 करोड़ 32 लाख 26 हजार 464 रुपए डोनेशन काउंटर पर प्राप्त हुए। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट, चेक, डीडी, मनी ऑर्डर द्वारा 144 करोड़ 45 लाख 22 हजार 497 रुपए प्राप्त हुए, जिनका टोटल 386 करोड़ 54 लाख 49 हजार 928 रुपए होता है। इसके अतिरिक्त 26 किलो सोने के आभूषण जिनकी कीमत करीब 12 करोड़ 9 लाख रुपए है व 330 किलो चांदी से बने आभूषण प्राप्त हुए जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ 53 लाख रुपए है। कुल 13 करोड़ 63 लाख 14 हजार 213 रुपए के सोने व चांदी से बने आभूषण प्राप्त हुए। श्री राहुल जाधव ने उपरोक्त जानकारी दी। आगे उन्होंने बताया कि संस्थान को प्राप्त दान राशि विभिन्न क्षेत्रों में समाज की सहायता एवं भक्तों को और अधिक सहूलियतें मिले इसके लिए संस्थान खर्च करता है। पूरी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, श्री साई बाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिरडी, यहाँ पे बाबा के चरणों में 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक 400 करोड़ 17 लाख रुपए सभी भक्तों ने बाबा के चरणों पे दान दिए हैं। इसमें जो दक्षिणा जो हुंडी रहती है, हुंडी में जो दान आया वो 167 करोड़ 77 लाख का है। जो कैश काउंटर पे जो दान आता है वो 74 करोड़ 32 लाख रुपए का है। फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन देनगी, चेक, डीडी, मनी ऑर्डर, ये सब में 144 करोड़ 45 लाख इतना दान साई भक्तों ने बाबा के चरणों में दिया। इसकी टोटल अगर हम करें तो 386 करोड़ 54 लाख इतनी हो जाती है। सोना और चांदी अगर हम देखें तो टोटल 26 किलो सोना जिसकी कीमत 12 करोड़ 9 लाख है और 330 किलो चांदी जिसकी कीमत 1 करोड़ 53 लाख, इसे टोटल मिलाए तो 13 करोड़ 63 लाख इतना सोना चांदी के रूप में हमारे यहाँ पे दान आया है। इस दान का जो उपयोग है, साई बाबा संस्थान एक 2 हॉस्पिटल चलाते हैं, उसमें भक्तों को या उसमें जो एडमिट पेशेंट हैं उनको मुफ्त में दवाई और उनका इलाज किया जाता है। साई बाबा संस्थान प्रसादालय चलाते हैं, यहाँ पे दिन में कम से कम 50,000 और पीक पीरियड में ये जो फिगर है वो 1 लाख के अबव जाता है, तो उसमें वो अन्नदान करते हैं। साई बाबा संस्थान अनेक काफ़ी सारी सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे एयरपोर्ट हो, रास्ते डेवलपमेंट हो, रोड डेवलपमेंट हो, उसमें ये करता है। साई संस्थान ने 51 करोड़ रुपए कोरोना काल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिए हुए हैं। ऐसे साई संस्थान जो बच्चे यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनको मुफ्त एजुकेशन देती है। ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स, काफ़ी ये दान जो हमारे यहाँ पे आता है उस पर खर्च किए जाते हैं। अयूब पठान, ब्यूरो चीफ, साई लीला टाइम्स शिरडी। कृपया साई लीला टाइम्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम साई राम।